Hey guys, so आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्मिता सिम्बा लाइफस्टाइल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप ये सब देख रहे हो, ये चारों तरफ ये बैक साइड मेरे आप कंबल देख रहे हैं, मैंने स्ट्रीट मेरे एरिया के जो डॉग्स उनके लिए लगा रखा है। एंड दैट वन इज हमारी जो कंपनी का साइट ऑफिस है वो है, एंड दिस वन इज कंस्ट्रक्शन साइट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। एंड यहाँ पे ये हमारे पूरी ये हमारा एरिया है, यहाँ पे अभी जस्ट ब्लॉक्स लगने शुरू हुए हैं, देन ये जो जगह है सुंदर दिखने लगेगी। एंड आपको मैं दिखाती हूँ मेरी लाइफ, बिकॉज आई एम एनिमल लवर, बीइंग एन एनिमल लवर आपको ये सारी चीज़ें तो ऑल द टाइम देखनी पड़ती है। ये मेरा पालतू पेट है सिम्बा, एंड सिम्बा से हाय। ये मेरा पालतू पेट है, एंड अगर मैं नीचे आ रही हूँ ना, ये मुझे दो मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता है, ऑल द टाइम मेरे साथ रहता है। एंड मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि आई एम सिंगल गर्ल हूँ, मैं अकेले रहती हूँ, एंड मैं अपने एरिया के स्ट्रीट को फीड तो कराती ही हूँ। अगर बहुत ज़्यादा किसी डॉग की स्ट्रीट की कंडीशन ख़राब है, उसे रेस्क्यू करती हूँ एंड देन उसका भी ट्रीटमेंट कराती हूँ। एंड आप देख सकते हैं एक पपी भी रेस्क्यू है जो कि जंगल से आया था, और अभी तो वो अच्छा है। मैं दिखाती हूँ मेरे पास किस तरह से माहौल रहता है। ये है काली, और इसने अभी 7 बच्चे दिए, 7 पपीज दिए हैं, एंड ये मॉर्निंग टू इवनिंग यही आकर बैठ जाते हैं। इसको लगता है कि यही लड़की है जो खाना देगी मुझे ऑल द टाइम। मेरे मतलब मेरे जो अराउंड का एरिया है ना, चारों तरफ का, वहाँ भी ये मुझे दिखाई दे जाता है। काली कैसे बच्चे तेरे? अच्छे 7 बच्चे, अच्छे मतलब नींद भी आ रही है, भूख भी लग रही है काली को। काली बच्चे अच्छे तो काली। तो ये मेरे एरिया के डॉग है, हमारे यहाँ जो लेबर काम करते हैं उनके बच्चे हैं, उनकी पालतू पेट है, और उसने ही अभी 7 पपीज दिए थे, एंड सभी सेफ हैं। एंड विंटर सीजन चल रहा है तो मैंने ब्लैंकेट ऑलरेडी दे दिया था। एंड वन मोर आप देख सकते हो, ये भी मतलब रेस्क्यू पपी है, जंगल से आया है, जंगल में मुंगल कर रहा था, कबूतर खा रहा था, बट अब ये अभी मेरे पास सेफ है। एंड मैं फुली कोशिश कर रही हूँ कि अडॉप्ट हो जाए, पर जब तक ये अडॉप्ट नहीं होगा तो ये रहेगा। इसका नाम रखा है शेरू, क्योंकि ये जंगल से आया है और जंगल में शेर टाइप के लोग रहते हैं, दैट्स व्हाई हर नेम शेरू। शी इज 1.5 मंथ ओल्ड समथिंग, एंड फीमेल पपी है। काली बस गुर्राती है, बट कभी काटती नहीं है। काली ये शेरू शुरू हो गया, शैतानी शुरू हो गई, इस तरह से चलता रहता है गाइस। तो आप भी अपने एरिया के स्ट्रेट डॉग को, अगर आप किसी को इंजर्ड डॉग को देखते हैं, तो डेफिनेटली उसको लेकर आएँ, ट्रीटमेंट कराएं, एंड अपने पालतू पेट का भी ध्यान रखें। और पपीज जो कि जिनके माँ बाप नहीं है कहीं भी, उन्हें लाकर उन्हें 2 टाइम की दूध रोटी तो आप दे ही सकते हो। सो गाइस, सो बाय बाय गाइस। एंड आप देख रहे हो अंडर कंस्ट्रक्शन है पूरा एरिया अभी, सो मेरे डॉग्स के लिए तो बहुत अच्छा है। एंड गाइस बाय, एंड वन मोर थिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब, वॉच, लाइक, कमेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें मेरे बेटे सिम्बा को, ही इज सो लविंग एंड सो प्रेसियस फॉर मी। आई लव सो मच माई सन सिम्बा, मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करती हूँ, मेरी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। एंड आई लव ऑल द स्ट्रीट डॉग्स ऑल्सो, ऑल द स्ट्रीट एनिमल्स ऑल्सो, वॉट एवर आई हैव, मेरे पास जो कुछ भी होता है, आई ट्राई टू फीड ऑल द एनिमल्स, मतलब मैं कोशिश करती हूँ, एंड दैट्स वन इज कॉल्ड ह्यूमनिटी। अगर हम एक इंसान का जन्म लिए और हम इंसान का काम नहीं कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है इंसान का जन्म लेने का, और जैसा करेंगे आप वैसे ही भरेंगे। इस दुनिया में आपको वही मिलेगा जो आप यहाँ करके जाओगे। सो अच्छा करिए, एनिमल्स के लिए करिए, नीडी पीपल्स के लिए करिए, गरीब लोग हैं उनके लिए करिए। अपनी जो आपकी जो कमाई है ना, उसका थोड़ा सा पार्ट तो आप दे ही सकते हो। इवन आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो थोड़ा बहुत तो करो यार, वो हमारे ऊपर आश्रित है और भगवान ने उन्हें हमारे नाम पर ही भेजा है। जो ये बात इंसान समझ गया, उसकी पूजा पाठ का तो मतलब है, लेकिन जो ये चीज़ नहीं समझता, वो कितना भी पूजा कर ले, उसे कुछ भी नहीं देने वाला भगवान। कितनी भी पूजा करें, रोज पूजा करें, रोज़ नहाए धोए कुछ भी करें, वॉट एवर, बट बहुत ज़रूरी है कि हम जो
जिनको मदद है, चाहे फिर वो इंसान हो चाहे फिर वो जानवर हो एनिमल्स हो, उनकी हम सेवा करें, मदद करें। एंड जिसने इग्नोर किया ना तो भगवान भी इग्नोर करता है। अगर आप कहीं से जा रहे हो, आपको कोई स्ट्रीट एनिमल्स इंजर्ड दिखता है, बहुत बुरी हालत में दिखता है, तो सडन उसे रेस्क्यू करिए, उसे ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करिए। रेस्क्यू भी आप डायरेक्ट जाके मत उठा, उसका भी एक तरीका होता है। आई विल शेयर डेफिनेटली ऑन माई नेक्स्ट ब्लॉग कि आप रेस्क्यू कैसे कर सकते हैं किसी भी डॉग्स को जो कि स्ट्रे। सो गाइस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।